मैम अच्छे से नहीं आ पाया क्योंकि इसमें पॉट कंडीशन से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, करवा लेते हैं। ये वाला था ना? यस यस मैम। स्टार्ट करें। एनसीईआरटी सबके पास है? यस मैम। अभी नहीं है। नेट से डाउनलोड वगैरह कर लेना अगर हो जाए तो, क्योंकि एक बुक तो रहनी चाहिए ना। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 80% प्योर NaOH सैंपल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन हॉट कंडीशन। ठीक है, तो हॉट कंडीशन की रिएक्शन मैंने बता दी थी कि हॉट कंडीशन में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, 6 NaOH प्लस 3 Cl2 गिव्स 5 NaCl प्लस NaCl3 प्लस 3H2O ऐसे बनता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट लिखते हैं रिएक्शन के, तो इसका मतलब आपको 6 मोल्स चाहिए NaOH के। देन यू हैव टू यूज 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड इट विल प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ NaClO3। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। ये इसको तो पता ही होगा आपका नाम, सोडियम क्लोराइड। और ये बनेगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर है कि बन क्या क्या रहा है। अब बेसिक रिएक्शन तो ये है, इसको यूज करके जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, और उसके अलावा जो भी रिएक्शन में होता है उसको भूल जाते हैं। तो NaOH के लिए आपको प्योरिटी दी हुई है, तो यानी इसको यूज़ करना है आपको। 21.3 ग्राम क्लोरीन है, तो यानी क्लोरीन को यूज़ करना है, और बाकी आपको अमाउंट NaOH का कैलकुलेट करना है। तो इन सब चीज़ों से अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपना मतलब किससे है, 6 मोल्स ये है और 3 मोल्स ये है, बस इतने से मतलब है। तो देखते हैं भाई रिएक्शन के अकॉर्डिंग, 6 मोल्स NaOH, 3 मोल्स क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। तो आपको पता है फॉर 1 मोल मास कितना होता है, फॉर 1 मोल मास इज मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना हमें आता है, कैसे, एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं हम लोग। और अगर 6 मोल्स के लिए है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास हो जाएगा क्या, अगर इसका मास देखें हम तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे यस हो मैम। जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ये सबको क्लियर है इतनी बार? इट इज फॉर NaOH एंड इट इज फॉर क्लोरीन यस गैस। मैम। अब इसका निकाल लेते हैं मोलर मास। 23 प्लस 16 प्लस 1 ये आता है 40। तो ये कितना आ गया, 6 मोल्स के अकॉर्डिंग मास कितना आ गया, 240 आ गया। यहाँ पे भी देखते हैं 3 यस मैम। और यस क्लोरीन मैम। है Cl2, Cl2 का मतलब 2 Cl है, 1 Cl का होता है 35.5। धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल्स याद करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे नंबर्स। 6 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 होता है 71। तो 71 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, 3 213 आ गया क्या, 231 यस मैम।
इसका मतलब आपको ये पता चल गया, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर 240 ग्राम इसके लेते तो 213 ग्राम मिलेंगे क्लोरीन के। ठीक है, ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन NaOH कितना प्योर है? 80% है। इसका मतलब अगर आप 100 ले रहे हो तो उसमें NaOH प्योर कितना है? 80 ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिया 21.3 ग्राम क्लोरीन, तो यहाँ से हमको पता चल गया अगर हम बात करें। हमें पता लग गया कि 213 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करती है आपकी, इसी बात को अपोजिट करके लिख दिया हमने, 213 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करती है 240 ग्राम एनएस। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 21.3 ग्राम क्लोरीन, ये कितने से रिएक्ट करेगी निकाल लेते हैं। वैसे देखो तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा है तो यहाँ पे भी एक डेसिमल लग जाएगा, पर हम लोग वैसे करते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा क्या? ठीक है, इसका मतलब इतना क्लोरीन 24 ग्राम NaOH से रिएक्ट करना चाहिए। तो हमें सैंपल का कितना चाहिए? NaOH का 24 ग्राम चाहिए होता, लेकिन ये कंडीशन तब है जब ये 100% प्योर होता। अगर NaOH 100% प्योर होता, मतलब उसमें कुछ और नहीं है, तब ये कंडीशन आती है 24 ग्राम हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 100% प्योर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये जो 24 ग्राम है ये 80% से रिएक्ट करेगा ना? यस मैम। 80% के अकॉर्डिंग ये कितना है? 24 ग्राम है। तो 100% के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 30 30। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनल सैंपल आपको कितना लेना पड़ेगा? 30 ग्राम का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 30 ग्राम आप लोगे तब उससे प्योर आपको मिलेगा 24, और वो 24 रिएक्ट करेगा इतने ग्राम से। क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक है, जो रिएक्शन से हमने कंडीशन निकाली थी उसके अकॉर्डिंग हमको आइडियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन पता लग गई, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने NaOH का मास कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये कंडीशन तब थी जब हम NaOH प्योर ले लेते, 100% प्योर होता तो 24 ग्राम रिएक्ट कर जाता इतने से, लेकिन ये प्योर नहीं है, इससे हमें केवल 80% मिल रहा है। तो 80% के अकॉर्डिंग ये आपका रिएक्ट करेगा 21.3 से, तो इसका मतलब ये 80% के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। तो 100% के अकॉर्डिंग कितना चाहिए हमें, वो सैंपल हमने निकाल। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब देखो, फिजिक्स में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुना है क्या इसके बारे में कभी पहले? सुना है क्या होते हैं? मैम अनसर्टेन डिजिट्स और पहला, नहीं नहीं मैम, ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं किसी नंबर। यस मैम।
यस मैम, वो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उसी को सिग्निफिकेंट नंबर बोलते फिजिक्स में करवा दिया गया क्या टॉपिक? हैं। नो, एनसीईआरटी में लिखा था ना पहले चैप्टर में ही। फिजिक्स में आप लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है? फिजिक्स कहाँ पढ़ रहे हैं सब लोग? हाँ, मुझे तो सर जितेंद्र सर के पास। अच्छा, आप जितेंद्र सर के पास पढ़ रहे हो। अच्छा, वहाँ क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ फिजिक्स? अभी सर डिफरेंशिएशन वगैरह और अच्छा, बेसिक मैथ्स करा बेसिक बेसिक मैथ्स करवा रहे होंगे पहले, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, और कोमल आप कहाँ पढ़ रहे हो फिजिक्स? मैम, अभी तो कहीं नहीं। अच्छा, अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, लक्ष्य आप? मैम, मेरे में वेक्टर्स एंड स्केलर्स चल रहा है। और कौन बचा? हेमा, यस मैम। आपने फिजिक्स का ज्वाइन कर रखा? नहीं मैम, अब अच्छा, आपने भी नहीं ज्वाइन किया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो ये एक थिंग है या जो भी चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं ना, भाई इसकी बात आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि केमिस्ट्री में जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो किसी चीज़ की वैल्यू, सपोज आपको कोई ए क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना उसमें एरर आ रहा है, ठीक है? उन सब चीज़ों को जब देखते हैं, तब बात होती है कि कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको सर्टेनली पता है, कुछ कौन से ऐसे डिजिट हैं जो अनसर्टेन हैं, जिनकी वैल्यू के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी वैल्यू कुछ मतलब वेरी कर रही है। उस तरीके की जब बातें आती हैं, तब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है? मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? इसको डेफिनेशन आप याद रखो, बाकी आपको आना चाहिए कि आप कैसे इसको निकालते हो। कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो आप कैसे उसमें निकाल, ठीक है? इम्पॉर्टेंट ये। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूल्स की अगर बात करें तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नॉन जीरो हो गए ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे किसी भी नंबर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है, सपोज ऐसे लिखा, तो ये देखो, ये जो ये होगा ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर दे करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर पूछते हैं, तो कितने हो गए? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें? 5। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो यस कोई मैम। कोई नंबर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है? तो अभी जब पहला रूल हमें पता है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जितने नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, वैसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 6 होते हैं, ये भी होता है सिग्निफिकेंट। अभी बताते हैं आगे रूल्स कैसे। ये तो बात होगी, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सबको आप सिग्निफिकेंट ले लीजिए। दूसरा, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है अगर, ठीक है, और उस नॉन जीरो डिजिट के पहले या बाद में, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, ये कोई नंबर है, अगर ये लिखा है तो सिग्निफिकेंट आपको कितने दिख रहे हैं? थ्री 3 हो गए, ठीक है? अब इसी नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, अब कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? जितने जीरोस इसके पहले हैं, नॉन जीरो के पहले, वो क्या हो जाएंगे? नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अभी भी 3 है। देख पा रहे हो सब लोग? मैम, हम्म,
मैम एक और वापस स्पीक कर दीजिए मैम। देखो ये तो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर में 554 जो नंबर आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आपको सारे नॉन जीरो दिख रहे हैं, तो आपने बोला ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, तो तीन हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके बाद जो सेकंड रूल बताया उसमें ये बताया कि कोई भी जो लेफ्ट में है, किसी नंबर के लेफ्ट में अगर है, और इसके पहले यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं है, तो नंबर्स के पहले जो जीरो हैं जितने भी प्रिसीडिंग हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ये जो तीनों का ग्रुप है ये सिग्निफिकेंट में नहीं आया, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो कौन कौन से हो गए, एक फाइव हो गया, एक फाइव, ये फोर, तो थ्री हो गए। क्लियर हुई बात? यस। अब ये वाला नंबर है जैसे 0.052, तो इसमें कितने होंगे, टू टू हो जाएंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा, yes। अब देख तीसरा रूल क्या है, तीसरा है कितने भी जीरो आ जाएं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में है, सारे जीरो कंसीडर कर लिए जाएंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे मान लो ये, तो अब ये वाले जो जीरो हैं ये एक नॉन जीरो डिजिट और ये भी एक नॉन जीरो डिजिट, तो बीच वाले जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो के बीच में जो फंस जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करें, तो इसका मतलब कितना होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल, फाइव हो गए। क्लियर है सबको? अब ये नंबर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, कोई डेसिमल वाला दे दिया, तो भी अगर हम देखें तो ये वाला जीरो अगर देखो तो ये दो नॉन जीरो के बीच में, और इस जीरो को देखो इन दोनों को, तो ये भी नॉन जीरो के बीच में, तो इसमें कितने होगा सिग्निफिकेंट, सब सिग्निफिकेंट होगा, टोटल कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर है बात सबको? यस। टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो आ जाएगा, वो डेसिमल के साथ हो विदाउट डेसिमल हो, सारे जीरो क्या आ जाएंगे सिग्निफिकेंट। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट रूल है आपका, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कैसे, देखो एक नंबर ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो देखो अगर आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ये 0 0 0 ये है, ठीक है, तो इस नंबर में अगर हम देखें डेसिमल अगर मेंशन है, तो डेसिमल के राइट साइड वाला ये भी आ जाएगा सिग्निफिकेंट में, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके पहले नॉन जीरो डिजिट है इसलिए ये हो गया, और ये डेसिमल के जस्ट बाद है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट में आ गया, तो इसमें टोटल में कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है और एक नंबर ऐसे, यहाँ डेसिमल मेंशन है, एक नंबर ऐसे है और एक नंबर ऐसे लिखा, ठीक है, जब इस तरीके की कंडीशन होती है, यहाँ पे डेसिमल आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब समझते हैं,
क्या होता है? नो मैम नहीं पता। अच्छा, एम्बिगुअस का मतलब है इसको हम बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट लगा दिया तो लिमिट कर दिया, पॉइंट लगा दिया तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो ये भी कैसा होगा? आप कह नहीं सकते, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 520 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम। जैसे ही तुमने ऐसे लिखा, 5 होगा इसमें, देख रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसे। तब कितने बन गए? 4 बन गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को उसमें सिग्निफिकेंट हम नहीं बता पाते। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके ऐसे लिखे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 10 रेज टू पावर करके लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया एम्बिगुअस। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कितने आ गए सिग्निफिकेंट, बताइए। मैम 6 6 हो गए, ये भी ये भी ये भी सारे हो। ठीक है, और इसी नंबर को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी इस फॉर्म में चले जाएंगे ना, 10 रेज टू पावर में, प्लस माइनस दोनों हो सकती है, तो ये 10 रेज टू पावर वाला जो होता है इसको सिग्निफिकेंट में नहीं लेते। फिर उसके अलावा जो नंबर है उसमें हमें देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 और 5 दोनों ही हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों नंबर जो दिए हुए, इसको अगर देखो तो भाई ये है, तो ये वाले को तो हमने कट ही कर दिया, ये वाला कट गया, अब बचा कौन सा, ये नंबर बचा, तो ये क्या हो जाए। ठीक है, अगर इसको देखो तो इसमें 10 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा आपका, ये तो हट जाएगा सिग्निफिकेंट से, ये है नॉट सिग्निफिकेंट, और ये जो 3 डिजिट्स होंगे, क्योंकि डेसिमल के इधर ये 3 डिजिट्स होंगे, ये क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने आ गए, 3। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। अब देखो, जैसे ये कोई क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स 20x हैव अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, ये वही वाली बात है कि जीरो के इधर 2 को हम 2.00 करके कितने भी जीरो लगा दें, है ना, तो क्या हो जाएगा वो, उसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसीलिए इसको हमने एम्बिगुअस इसीलिए नाम दिया था कि उसमें आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब देखो, ये कुछ नंबर्स थे, जैसे पहला जो है, इस नंबर में देखो, ये तो देखते ही पता लग गया 2 और 5 तो होंगे ही होंगे सिग्निफिकेंट। अब ये लेफ्ट वाले जीरो हैं, ये होंगे या नहीं? मैम नहीं होंगे, लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें कौन कौन से हो गए, 2 और 5 हो गए, इसका मतलब टोटल कितने नंबर हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब दूसरा नंबर देखो, 2 0 उल्ट दिया हुआ, इसमें कितने होंगे, ये भी है ये भी है, और इसके बीच में ये आ गया नॉन जीरो के बीच में जीरो, तो ये भी काउंट हो जाएगा। फिर तीसरा भी ऐसा ही है एग्जाम्पल, है
हेमांग एंड कोमल। यस मैम। ये देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें बताइए। मैम सिक्स। सिक्स, ठीक है। वैसे बोलो तो आप सिक्स बोल सकते हो, लेकिन ये कैसा है, वैसा नंबर है ना? यस मनीष। सिक्स हो भी सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर बोले नहीं बताना ही आपको, ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या बताएंगे, सिक्स बताएंगे। नहीं तो वैसे तो क्या है, एम्बिगुअस है, क्योंकि इसके लिए पॉइंट लगा के आगे हम और बढ़ा सकते हैं। इसमें मैम ऐसे ही 208 भी एम्बिगुअस है ना? मैम जो नेचुरल नंबर होंगे सारे मतलब एम्बिगुअस में? नहीं नहीं लास्ट में जिसके जीरो आए, लास्ट में जीरो। एम्बिगुअस की बात किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लास्ट में जीरो है। देख पा रहे हो 1 2 6 0 0 0 5 0 0 0 अगर लिखा हो कहीं पे। यहाँ पे तो जैसे इन्होंने डेसिमल को मेंशन कर दिया। अब कितने हो गए इसमें? इसमें फोर। फोर हो गए। ये वाला ये तो है ही है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद तो ये क्या आंसर दे रखे हैं, नीचे क्या लिखा हुआ, 2 3 4 3 है ना इसमें। या तो ये अगर ये डेसिमल भी है तो भी, अगर डेसिमल है तो इसमें सिक्स होने चाहिए, है ना। शायद यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, देख पा रहे हो? हाँ, फोर्थ वाले में 1 2 6 0 0 वाला जो था उसमें 126 इनटू 10 रेज़ टू पावर 3 ही लिखा। नहीं नहीं ऐसे लिखना नहीं है, नंबर नंबर को चेंज नहीं करना है, जैसा नंबर दिया उसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन में नंबर जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट। इसमें देख लो भाई, ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हो गए तो ये फाइव हो। देख पा रहे हो सब लोग? यस यस। अब देखो जैसे ये थ्री नंबर्स दिए हुए, ये कभी AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर है 23.023, ठीक है। एकदम क्लियरली दिख रहा है, कितने होंगे बता दो जल्दी से सिग्निफिकेंट। मैम फाइव। फाइव दिख रहे हैं ना सारे, ये तो है ही, ये जीरो भी हो गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। इसमें पहला क्या दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले नंबर को अगर देखो 2.1 10 रेज़ टू पावर -3, ये वाला तो हट ही जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला। और ये इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, टू दिख रहे हैं क्या? यस ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाला हट गया क्योंकि यहाँ पे इसमें फाइव दे दिया है, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें यहाँ पे पहले में फोर दे दिया था, अब इन दोनों में से देखते हैं। अब इस नंबर को देखो मैम, वन होगा, वन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सारे लेफ्ट में है आपके, तो केवल ये वाला सिग्निफिकेंट है, yes. तो वन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 1 ए हो जाएगा ना, 5 1 क्लियर है। यस मैम। अब देखो ये बोल रहे हैं कोई स्टूडेंट है वो टाइट्रेशन 11th 12th में आप लोग टाइट्रेशन का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10th 10th में करा है क्या कभी, देखा है? पर 10th तो आपकी इसमें निकल गई होगी ना लॉकडाउन। यस मैम। टाइट्रेशन में देखो क्या होता है, दो अपोजिट नेचर के
सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टाइट्रेशन। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है एसिडिक, उसको हम मिक्स करेंगे बेसिक के साथ, ठीक है। कोई अपोजिट नेचर के इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मान लो NaOH है, ये बेस होता है, ठीक है, इसको हमने ट्रीट कर दिया ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक होता है, फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो NaOH को ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, इसको ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन एक की कंसेंट्रेशन गिवन होगी, दूसरे की कंसेंट्रेशन हमें निकालनी होती है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि आपके काम का है, 11th 12th दोनों में काम आएगा। एक मिनट होल्ड कर, क्लास समझ आ रही है? हेमांग क्लास में है? यस। बात तो नहीं कर रहे? मैं माइक ऑन कर रहा है, पता नहीं इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है कुछ गड़बड़, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, ये स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख तो रहा होगा ना, इसमें डालने की जरूरत क्या, आपको दिख तो रहा है पिक्चर ये? यस मैम। ठीक है, तो यहीं पे बता देते yes, हैं। पेन काम करेगा? देखो, ये ऐसा एक ग्लास रॉड टाइप का होता है, ठीक है, इसमें नीचे नोजल लगा होता है, टैप लगा होता है, यहाँ से हम लोग इसमें कुछ फिल करते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन इसमें फिल किया जाएगा, यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं हम लोग, फनल डालते हैं और इसके थ्रू एक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं, ये 50 तक की मेज़रमेंट का होता है, 50 ml आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और भी बड़े बड़े भी होते हैं, इससे ज़्यादा वाले। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ग्लास का पॉट है, इसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। सब लोग देख पा रहे? ठीक है, इन्होंने देखो yes, हाँ, इन्होंने कुछ स्पेशल नाम दिया, किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, एरलेन मेयर फ्लास्क। ठीक है, तो इस तरीके का कोनिकल फ्लास्क हम लोग यूज़ करते हैं लैब में। ये स्टैंड लगा दिया हमने, और यहाँ पे सपोज मान लो बेसिक सोल्यूशन आपने फिल कर, मान लो NaOH का सॉल्यूशन हमने फिल कर दिया इसको, और यहाँ पे हमने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, टाइट्रेशन में एक रूल चलता है। अब इसमें हम करते क्या है, एक सॉल्यूशन का मेजर्ड अमाउंट लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो छोटू सा एक, मतलब रॉड टाइप की होती है आपका, इसी तरीके का कुछ होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं पिपेट। ठीक है, उस पिपेट से हम क्या करते हैं, सक करके 20 ml और 25 ml, कई कई मेजरमेंट की होती हैं ये पिपेट, 20 ml या 25 ml जिसकी भी आपके लैब में होती है, उतना हम मेज़र करके इसमें फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर देते हैं, एसिडिक में अलग और बेसिक में अलग, इंडिकेटर डालते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर हमने डाल दिया, दो तीन ड्रॉप वो डाल दिया, और 25 ml इसमें हमने ले लिया ऑक्सैलिक एसिड।
उसके बाद NaOH से इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हमारा, ये नोज़ल को खोलते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, धीरे धीरे डाला जाता है। तो होता क्या है, आप लोगों ने 10th में सुना होगा एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, सुना? यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस। तो टाइट्रेशन में स्टार्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो अभी आपको कंसंट्रेशन पढ़ा ही नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो एक कोई सॉल्यूशन है, जैसे इस केस में हमने NaOH लिया, इसको हमने ऊपर वाली ये जो रॉड थी इसमें फिल कर दिया था, ठीक है। इस रॉड को हम बोलते थे ब्यूरेट, और यहाँ पे हमने लगाया था कोनिकल फ्लास्क। और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या फिल किया था, ऑक्सैलिक एसिड प्लस इंडिकेटर डाल दिया, ठीक है। इसमें एसिड है और यहाँ से हम ब्यूरेट से ये जो यहाँ पे नोजल लगा हुआ है यहाँ से हम ओपन करके धीरे 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 हम लोग इसमें NaOH को डालेंगे एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरिंग क्यों होता है, मेजरमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमें पता लगता रहेगा कि कितना NaOH हमने डाला है। अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं धीरे धीरे, और इसको मिक्स करते जाते हैं। मतलब आप इस ये जो फ्लास्क है ना, इसको आप हाथों से अपने स्टर करते जाओगे, फिर देखोगे क्या आप कि इसका कलर जो है ना, ऑक्सैलिक एसिड आपका होता है कलरलेस, क्रिस्टल्स तो वाइट होते हैं लेकिन जब सॉल्यूशन बनाओगे तो कलरलेस आपको लैब में बना हुआ मिलेगा, कलरलेस होता है। इसमें आप NaOH डालते जाते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप रीडिंग देखते जाते हो, ठीक है। मान लो 50 था तो अब आप देख रहे हो कि मान लो 50 से 40 हो गया, फिर उसके बाद देख रहे हो 40 से आपका 30 पे आ गया, फिर 20 पे आ गया, रीडिंग कम होती जा रही, ठीक है। आप यूज़ करते जा रहे हो उसको, ठीक। कुछ रीडिंग, कोई भी रीडिंग मान लो 22.2 रीडिंग आ गई, ठीक है। इस रीडिंग पे हमने क्या देखा, 22.2 रीडिंग पे हमने देखा कि इसका कलर जो है ना, ये कलरलेस से सडनली चेंज हो गया कलरलेस। मान लो ये सपोज पिंक हो गया, कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। तो अब ये जो पिंक कलर आ जाता है ना, जैसे ही ये पिंक कलर आता है वैसे ही हम लोग ये इसको इसमें डालना बंद कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। पिंक कलर आते ही क्या बोलते हैं हम उसको, एंड पॉइंट बोलते हैं। और इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं, मान लो इस रीडिंग पे पिंक कलर आ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड पॉइंट। इस तरीके से इसी सेम एक्सपेरिमेंट को हम 3 times करते हैं। फिर से क्या करोगे, फिर से आप पिपेट लेके आओगे, फिर से ऑक्सैलिक एसिड जो आपको अलग से मिला हुआ है उसको पिपेट से आप सक करोगे, सक करने के बाद फिर इसमें फिल करोगे, और फिर से आप ये ब्यूरेट को पूरा यहाँ 50 ml तक भरोगे। आपको बीकर में अलग से, जो आपका लैब असिस्टेंट होता है वो बीकर में अलग से आपको जितने की आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है और आप इसको फिर से फिल करते हो यहाँ पे फनल लगा के, और 50 तक भर के फिर से वो एक्सपेरिमेंट करते हो। 3 times ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो आप क्या देखते हो कि ये जो कलर चेंज हुआ वो हुआ क्यों। देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे बेस था, आप बेस को डाल रहे थे, यहाँ पे एसिड था। तो आपको पता है कि जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक जो चीज़ है वो उसको दूसरी चीज़ को ख़त्म कर रही है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, आपने सुना होगा एंटा एसिड के बारे में, सुना एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग MGOH होल्टोइस यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते थे, इसको एंटा एसिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं।
क्या होता है, एंटासिड एसिडिटी को ख़त्म करता है। भाई ये सपोज़ किसी का स्टमक है, यहाँ पे ढेर सारा एसिड बन गया, किसी भी रीज़न से एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब उसको क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे जो भी स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पे उसको बहुत इरिटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी जो भी एसिडिटी से प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो रही है उसको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक एंटा एसिड लिख देता है। फिर उसको जब हम एंटा एसिड को लेते हैं तो एंटा एसिड धीरे धीरे क्या करता है, रिलीव करता है। तो करता क्या है, ये एसिड बन गया आपके स्टमक में, जब आप ये एंटा एसिड देते हो तो एंटा एसिड में होते हैं बेस, ये एसिड को जाके बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब खत्म करता है उसके इफेक्ट को धीरे धीरे, क्योंकि इन दोनों का नेचर अपोजिट है, ठीक है। धीरे धीरे ये इसके नेचर को ख़त्म करता है, और आप जब धीरे धीरे लेते हो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो उसके बाद धीरे धीरे एसिड जब ख़त्म हो जाता है तो आपका एसिडिटी शांत हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीजर में यही होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक क्वांटिटी होती है एन इंटू बी, एन को बोलते हैं नॉर्मेलिटी, अभी पढ़ेंगे हम लोग ये इस चैप्टर में, वी को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, टाइट्रेशन का प्रोसीजर ये है कि एन इंटू वी ऑफ एसिड इक्वल टू एन इंटू वी ऑफ बेस। जब दोनों की ये वैल्यू सेम हो जाती है, जब तक अलग अलग रहती है, मान लो एसिड खूब ज़्यादा बन गया है तो इसका एन इंटू वी ये है, अब आपने बेस ऐड करना शुरू किया, पहले मान लो पहले 1 सेकेंड में आपने एन इंटू वी ऐड किया 1, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो, एन इंटू वी हो गया अब 3, फिर एन इंटू वी हो गया 4। अब धीरे धीरे जब आप एन इंटू वी बेस का 10 के इक्वल ले आओगे ना, तो सारी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब आप डाल और दोगे, अगर अब एन इंटू वी आपने और ऐड कर दिया तो 11 कर देगा वो, तो 11 जैसे ही करेगा वो 1 एक्सेस में हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन बेस जो होते हैं वो अपने बॉडी को नुकसान नहीं करते, इसलिए अगर आप एंटा एसिड थोड़ा ज़्यादा भी ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बेस से एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एन इंटू वी इक्वल करते हैं, और जब वो इक्वल हो जाता है, इक्वल होने के जस्ट बाद जैसे ही आप एक ड्रॉप भी और डालोगे बेस का, ठीक है, एसिड ने बेस को अगर पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसका एन इंटू वी इक्वल हो गया इसके एन इंटू वी। अब इसके बाद अगर आप बेस का 1 ml डालते हो जैसे ही, तो ये जो इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर का यही काम होता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देता है और बेसिक में अलग कलर देता है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब है एसिड का इफेक्ट ख़त्म, बेस का इफेक्ट ख़त्म। अब आपने 1 ml एक्स्ट्रा इसमें जैसे ही डाला, एक ड्रॉप डाला, वैसे ही क्या होगा, ये सॉल्यूशन अब बन जाएगा बेसिक, ठीक है। और जैसे ये बेसिक बनेगा, ये जो इंडिकेटर होता है ये एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर दे देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई पिंक कलर आ गया, तो अब अपना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हमको एंड पॉइंट याद कर लेना है, देख लेना है। और इस एंड पॉइंट को 3 बार करते हैं हम लोग, और तीनों का फिर एवरेज लेते हैं, फिर उस एवरेज वैल्यू को अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो जब कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे आपको तो बता देंगे। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई, यस सर। ये स्टैंड पे जो आपकी ट्यूब लगाई गई है उसको ब्यूरेट बोलते हैं, ये नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है। टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, अगर एसिड बेस्ड, 2-3 तरीके के टाइट्रेशन होते हैं, एक होता है एसिड बेस, उस एसिड बेस में एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं, और जब एक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, तो हमें कलर चेंज दिखाई देता है और उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट की जो रीडिंग होती है उसको हमें नोट करना होता है, और 3 बार करते हैं उसको, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करते हैं, उसके सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, अब ये बात आई कहाँ से थी जो मैंने आपको बताया था, हाँ, टाइट्रेशन का क्वेश्चन था। अ स्टूडेंट परफॉर्म अ टाइट्रेशन विद अ डिफरेंट ब्यूरेट, ठीक है, वो जो ब्यूरेट है ऊपर वाली जो ट्यूब है वो डिफरेंट डिफरेंट से यूज़ करता है,
फाइंड टाइटर वैल्यूज, वो उन वैल्यूज को नोट करता है 25.2, 25.25 एंड 20, ठीक है, इतने ml उसकी नोट करता है वो रीडिंग, जो ये रीडिंग हमने यहाँ पे नोट की थी। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एवरेज टाइटर वैल्यू, इसको टाइटर वैल्यू बोलते हैं, तो एवरेज निकाल लो और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो, यही पूछा गया तो निकाल लेते हैं, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। यही है ना वैल्यूज मैम? हाँ मैम, ये वही वॉल्यूम है मतलब जिस वॉल्यूम के आगे एसिड का कलर चेंज हो रहा है? हाँ, जिसके आगे आपका जैसे ही आपने बेस उसमें ऐड किया वैसे उसका कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, जो आपकी आपकी इस फ्लास्क में थी ना जो सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें कुछ बात नहीं कही गई है, इसमें टाइट्रेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा इसलिए आपको बताया क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड किससे है और ये आपके 11 12 दोनों में काम का है, इसलिए मैंने बता दिया। अब इन्होंने बोला ये तीन वैल्यूज हैं और इन तीनों वैल्यू के एवरेज निकालो और एवरेज का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो हमने इसको ऐड कर लिया, अब इसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर बता दो जरा जल्दी से। 75.45, अब इसमें देख लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितने दिख रहे हैं, मेरे पास तो 24.81 आ रहा है। मैंने 74, नहीं मैम, हाँ हाँ सही है, मैंने 74 ले लिया था, 75 का तो वो इतना ही होगा। मैम हाँ 25.15, अब इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4 4 हो गए ना, तो अपना आंसर क्या हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है जेई 2010। हाँ लक्ष्य बोलिए कुछ कह रहे थे मैम, इस स्टूडेंट ने मतलब टाइट्रेशन किया होगा जैसे, हाँ। तो एक ही एसिड के साथ किया होगा ना, तीन डिफरेंट ब्यूरेट से, हाँ ब्यूरेट चेंज किया लेकिन उससे मतलब वॉल्यूम क्यों अलग अलग हुई, वॉल्यूम तो सेम ही होनी चाहिए ना, वॉल्यूम इसलिए अलग क्योंकि हुई ना, एसिड सुनो सुनो एसिड सेम लिया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 1 ml हमने कम भर दिया, ठीक है, या कभी डालते वक्त 1 ml हमने ज़्यादा डाल दिया, कभी ऐसा हुआ कि इंडिकेटर का हमने थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा डाल दिया, समझ रहे हो? यस मैम, जैसे मान लो एरर्स मतलब आ जाए, हाँ एरर्स हो जाती है ना, इसीलिए इसका एवरेज लिया जाता है। भाई हम चाहें तो हम बोले तो हम वैल्यू एक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको एक का ही यूज़ होता है, जो ये वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे ना कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेशन में हमें एक की ही वैल्यू यूज़ करनी होती है। इसका कैलकुलेशन बताती हूँ आपको, थोड़ा सा सुनो, सपोज ऐसे मान लो HCl हमने लिया और HCl को हम NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, अब इसके लिए HCl का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, ठीक है, मान लो 3 दिया हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है HCl का जो वॉल्यूम है वो हम क्योंकि कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और कोनिकल फ्लास्क में हर बार हम मेज़र करके 20 ml लेते हैं या 25 ml लेते हैं, ठीक है, तो ये हर बार तीनों एक्सपेरिमेंट में ये 25 ml ही होगा, तो वॉल्यूम हो गया 25 ml। इस NaOH का क्या होता है, NaOH का कंसंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है हमको और इसका वॉल्यूम हमको यूज करना है जो हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अब हमने क्योंकि 3 बार एक्सपेरिमेंट किया तो एसिड सेम लिया, इसका वॉल्यूम सेम लिया
और ये NaOH की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम निकालते हैं वो अलग अलग आ गई, V1 आ गई, V2 आ गई, V3 आ गई, जैसा कि अभी अपने इसी वाले केस में आई थी, इस क्वेश्चन में जैसे 25.2 एक बार रीडिंग आई, एक बार 25.25 आई, एक बार 25 आई, देख पा रहे हो आप। इस तरीके से मान लो तीन रीडिंग आई, तो तीनों को आप ऐड करते हो, तीन बार एक्सपेरिमेंट किया आपने सेम, और तीनों को ऐड करते हो, फिर एवरेज निकालते हो। अब ये एवरेज वैल्यू कुछ आ गई सपोज, ठीक है, जो भी आ गई वैल्यू एक्स आ गई मान लो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, ये मान लो एसिड का है और ये बेस, तो एसिड के लिए नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, जब आप लैब में करते हो ना तो क्वेश्चन लिखवाया जाता है आपको, क्वेश्चन में ये गिवन होती है। ये वॉल्यूम हमें पता होता है, हम ये बार बार मेजर करके तीनों बार हम 25 ही लेते हैं, तो ये वॉल्यूम हमें पता है 25। अब ये N2 बेस की जो कंसंट्रेशन है वो हमें निकालनी है, इसका वॉल्यूम जो है वो एवरेज से हमने निकाल लिया x। अब N2 कैलकुलेट करना है तो कर लोगे, ये x की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। yes, यही होता है अपना आंसर टाइट्रेशन। क्लियर है? यस मैम। और एसिड बेस अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट को भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर इस एसिड और इस बेस की हम बात करें तो यहाँ पे HCl का वन मॉलिक्यूल अगर देता है केवल एक एच प्लस हमें पता है, और NaOH का एक मॉलिक्यूल एक ही OH माइनस देता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सीधे सीधे इक्वेट कर दिया। जहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो कोई दो दे रहा है H प्लस और कोई एक OH माइनस दे रहा है, तो वहाँ पे हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट से इन नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्रोसीजर यही लगता है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपने टाइट्रेशन के बारे में भी जान लिया आज। ये आपके 11th सिलेबस में भी है, 12th में भी है, और 12th बोर्ड में एग्जाम में भी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, एज ऑफ अ क्यूब इज ए, कोई क्यूब है उसका एज दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10^-2, देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, इसका वॉल्यूम क्या लेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ना, इसकी एज में 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये तो हट जाएगा, देख पा रहे हो? यस मैम। तो वॉल्यूम आप जो भी कैलकुलेट करोगे ना, उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लेना। जैसे इसमें अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब होता है, A आपको गिवन है तो आप निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, और 1.2 12 का होता है 144, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 728। ठीक है, यस मैम। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4 ये सारे हो गए ना। ठीक है, इसके आंसर्स कैसे, ऑप्शन कैसे दिए हुए थे मैं बताती हूँ। ऑप्शंस कुछ ऐसे लिखे,
ऐसे लिखे होंगे, सब मीटर क्यूब में थे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही आपको वॉल्यूम में भी लेने, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर थे तो वॉल्यूम के सिग्निफिकेंट फिगर अगर टू लोगे आप शुरू के डिजिट लोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब इसमें बताने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। चलो पहला कौन बताएगा, कोई बताना चाहता है? मैम वन वन, ये हो गए नॉन, ये भी नॉन और ये वाला। दूसरे में कौन बताएगा? मैम थ्री, ये वाला तो क्रॉस हो गया और ये सारे हो गए। थर्ड में ये सारे हो जाएंगे क्योंकि ये नॉन जीरो आ गया। फोर्थ, फोर्थ भी इजी है, उसमें कितने होंगे? मैम मैम आपने वो एक बार टर्म रिपीट करना जो आपने बताई थी। कौन वाली? मैम इसमें लास्ट में जीरो है। हाँ। तो अपन इसका वो नहीं कर सकते ना, एम्बिगुअस। हाँ ओके, एम्बिगुअस की बात कर रहा। हाँ तो मैम ये भी तो वही होगा ना क्योंकि इसमें लास्ट में जीरो है। अच्छा 6.320 ये इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ। इसमें देखो क्या देखना हम लोग को, अगर डेसिमल यूज कर दिया एम्बिगुअस की कंडीशन तब है जब डेसिमल यूज नहीं कर रहे। हाँ ओके मैम। ठीक है, एम्बिगुअस तभी आएगा जब डेसिमल यूज नहीं कर रहे, और बुक्स में उनके आंसर भी दिए होते हैं। जैसे मान लो आपका 7, मान लो कोई नंबर ऐसे है। ठीक है, तो वैसे तो ये एम्बिगुअस है लेकिन बुक्स में इनके आंसर 4 दिए होते हैं। 4 हो सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको, इसी वजह से ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए इनको एम्बिगुअस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कोई बुक्स इनके आंसर देती भी हैं, इसमें आपके 4 लिख देंगे ये आंसर। ठीक है, या आपके पास मान लो ऐसे ऑप्शंस दे दिए जिसमें एम्बिगुअस ऑप्शन नहीं है, आपका 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन है तो अब आपको 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस मैम। अब कौन सा देख रहे थे हम लोग? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला तो हो गया, नहीं फिफ्थ नहीं हुआ, ये है सिक्स्थ। इसमें बताइए कितने हो गए ये वाले में? 4। 4 हो गए क्योंकि ये वाले सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। इसमें मैम 4। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे राउंड ऑफ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, और आपका 11th 12th सब में काम आएगा। फिर उसके बाद आप लोग को करवाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, पुराने बच्चों को तो हो गया है ना, नए बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट करवा देंगे अलग से क्लास। ठीक है,
चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम मैम आप इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग डाल देंगे प्लीज़, इसकी आज की? ठीक है।